मेरे गांव की समस्या यह है कि आए दिन मेरे गांव में बाहरी लोग आकर के यहां का जो सामुदायिक जमीन है उसका अतिक्रमण कर रहे हैं। इस समस्या को गंभीर मानते हुए इस पर मैंने वीडियो बनाने का विचार किया। तो जाते वक्त मैंने देखा हमारे ही समुदाय के आदिवासी समुदाय के लड़के को वहाँ पर पीटा जा रहा था। इस बीच बचाव में ही हमें चोट आई, उन लोगों द्वारा हम पर हमला हुआ जिसके वजह से मेरा जो राइट हैंड है उसका जो फोरआर्म उसमें फ्रैक्चर हो गया और बोलने लगे बहुत यहाँ पे वीडियो बनाते हो, हमारे ज़मीन के मामले को उठाओगे, तुम लोग को यहाँ आदिवासी तुम लोग जार काट के फेंक देंगे। इस चीज़ को यहाँ के जो लोकल मीडिया हैं उन्होंने भी कवर किया, पर आज सवेरे ही हमने देखा कि प्रभात खबर जो कि है उसने कल भी यह बात को उठाया था कि जयराम हंसदा यहाँ पे रंगदारी वसूल रहा है, जिसे डीएसपी कन्हैया उपाध्याय ने इसे अस्वीकार किया, पर यहाँ के लोकल मीडिया सच्चाई को सामने नहीं रख करके गलत खबर को उछाल रहे हैं। यहाँ पे जो मामला नहीं है, जो मसला नहीं है, यहाँ पे वो लोग झूठ मूठ के वो लोग जातिवाद को सामने रख करके जो बाहर से लोग आए हुए हैं, जो अतिक्रमणकारी हैं, जो ज़मीन को लूट रहे हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं गाँव आया तो गाँव में देखा कि यहाँ पे मीटिंग हो रही थी, कन्हैया उपाध्याय जो कि डीएसपी हैं उनको यह साफ साफ बताया गया कि अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 244(1) के तहत ग्राम सभा को एक विशेष पावर दिया गया है जो कि है पेशा 1996 जो कि 24 दिसंबर को लागू किया गया। इसके अंतर्गत यह भी कहा गया कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के ज़मीन का हस्तांतरण नहीं हो सकता, जिसे डीएसपी कन्हैया उपाध्याय जी ने स्वीकारा कि सही में जो सरकारी पदाधिकारी हैं उनको ग्राम सभा का सही मतलब नहीं पता, अनुसूचित क्षेत्र का पावर क्या है उन्हें नहीं पता है। और आज मेरे पे जो कार्रवाई किया, जो उन लोगों ने मुझ पर जो अटैक किया, इस चीज़ को उन्होंने दावा किया कि 24 घंटे के अंदर वो गिरफ्तारी करेंगे।